संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है। कल लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, आज संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन है। कल लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज इसे राज्यसभा में रखा जाएगा, जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर इस राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिस पर राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर देखिए, जहां एक तरफ लोकसभा में विस्तार से चर्चा हुई, उसके बाद इसे पास किया गया लोकसभा से, अब इस बिल को राज्यसभा ले जाया जाएगा, जहां पर इस बिल पर चर्चा होगी, उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास ले जाया जाएगा, जहां पर राष्ट्रपति के साइन के बाद फिर कानून बन जाएगा। और संसद भवन लिए चलते हैं आपको, जहां पे हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, जरा बताइए, क्योंकि लोकसभा से महिला विधेयक आरक्षण जो है वो पास हो चुका है, लेकिन अब बात राज्यसभा की आ जाती है, जहां पर आज इस बिल को रखा जाएगा, चर्चा होगी और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास इस बिल को ले जाया जाएगा। जी देखिए, साफ तौर से ये एक बड़ी जीत फिलहाल अगर बात करें तो मोदी सरकार के लिए है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह कल चर्चा हुई, उस चर्चा में तमाम लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन जो सवाल उठाए उसमें विरोध तो हुआ, लेकिन वो विरोध सहमति का विरोध था और इसीलिए 454 वोट जो हैं वो इसके समर्थन में पड़े, 2 वोट जो हैं वो इसके खिलाफ पड़े, लेकिन सर्वसम्मत से कल इसको पास किया गया है। आज राज्यसभा में इस बिल को रखा जाएगा पटल पर और उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल अपने आप में एक बड़ा बिल है, जिसको लेकर मोदी सरकार बार बार यह कह रही है कि यह महिलाओं के लिए एक गरिमामयी पल है और यह आने वाले समय में संसद में जब उनकी दावेदारी सामने दिखेगी तो संसद का पटल कुछ और ही इतिहास रचेगा। और यही वजह रही कि मोदी सरकार की तरफ से इस पूरे सदन में इसको फिलहाल पटल पर रखा गया। तमाम जो विपक्ष पार्टियां थी वो ना चाहते हुए भी इस पूरे बिल का उन्होंने समर्थन किया, लेकिन अब राज्यसभा में आज इस पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में तमाम जो लोग हैं वो इस पूरे बिल को लेकर अब चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बात इस मामले में यह भी है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा में जब इस पे मामले में चर्चा होगी तो उस चर्चा में जो फिलहाल इस बिल के लूप होल है उस पर चर्चा की जाएगी। बार बार विपक्ष के तमाम जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये चुनावी सुगीफा छोड़ा है, आने वाले चुनाव में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कल कानून मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि सेक्शन 8 और 9 के तहत अगर इस पूरे मामले में जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबकी निगाहें महिला आरक्षण बिल पर टिकी हुई है, क्योंकि जब आज राज्यसभा में इसे पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जब इस बिल को ले जाया जाएगा, साइन होने के बाद ये फिर कानून बन जाएगा। हालांकि देखना यह होगा, जब राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी तो कौन सी और अहम बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।